नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज चैनल के अंदर। आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति और कुव्यवस्था पर गहरी चोट की, जिसने स्वदेशी को जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने पर बलिदान दिया। एक ऐसे शख्सियत जिसे राजनेता भी काफी भयभीत रहते थे। आयुर्वेद के महान जानकारों की श्रेणियों में आने वाले महान योद्धा जिनका नाम है राजीव दीक्षित, वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनकी मौत की दास्तां भी कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। बहुत ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने मौजूद हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि राजीव जी को मार दिया गया था। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ना गाँव में हुआ था। वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थे। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इलाहाबाद से बीटेक तथा आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय बाद भारत के सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। राजीव जी का जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर विदेशी कंपनियों से लड़ते हुए इतना संघर्ष किया जितना शायद ही किसी और क्रांतिकारी ने किया हो। दीक्षित जी ने कहा था कि वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण उपनिवेशवाद के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें भारत की पश्चिम पर निर्भरता, घरेलू उत्पादन की कमी, अत्यधिक उपभोक्तावाद का उदय, कृषि क्षेत्र का कमजोर होना और किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस संदेश के लिए स्वदेशी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इस प्रकार इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरबिंदो घोष और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन से जोड़ दिया। मानव विज्ञानी वनेरा आर खलीकोलवा के अनुसार रामदेव द्वारा अपनी विचारधारा का वर्णन करने के लिए अपनाए गए शब्द भारतीयता की उत्पत्ति संभवतः दीक्षित जी से ही जुड़ी हुई है। प्रोफेसर धर्मपाल जो एक इतिहासकार थे, राजीव जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। प्रोफेसर धर्मपाल राजीव दीक्षित को कई कठिन प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे, जिससे दीक्षित जी की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और उन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा था कि आज तक उन्हें इतिहास के बारे में जो भी बताया गया वे सब काफ़ी गलत है। तब उन्होंने और अधिक गहराई के साथ क्रांतिकारियों के बारे में जानना शुरू किया, जिसमें भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे और वो उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर राजीव दीक्षित जी ने भारत की गुलामी के दौर को पढ़ना शुरू किया तथा अनेक ऐतिहासिक पत्रों और भारत की असल समस्याओं के बारे में जानना शुरू किया। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जी ने इंग्लैंड से भी कई गुप्त पत्रों को निकलवाया और उनको जनता के सामने रखा और अंग्रेजों की सच्चाई को बताना शुरू किया। फिर राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन का एक ही मकसद बना लिया, जो था स्वदेशी भारत। इसके लिए वो लोगों को सच्चाई से परिचित कराने के लिए गाँव गाँव शहर शहर जाकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुके थे। उनके अंदर देश के प्रति प्रेम जो था वो उभर कर सामने आने लगा। देश के प्रति वो न्यौछावर होते जा रहे थे। ज्यों ज्यों राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था, वे स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था और विदेशी चीज़ों के उपभोग का बहिष्कार कर रहा था। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में घटित हुआ था, उसके उपरांत दीक्षित जी पूरी तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लग गए। भारत में 5000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। साल 2009 में दीक्षित जी एक बड़े मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी मुलाकात होती है बाबा रामदेव से। राजीव दीक्षित जी को लगता था कि स्वामी रामदेव भी स्वदेशी का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ जुड़कर एक साथ होकर इस मकसद को और इस मुहिम को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। अब शुरुआत होती है भारत के स्वाभिमान नामक आंदोलन की, जिसमें राजीव भाई को राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया गया और पूरे देश भर के अंदर घूम घूम कर संगठन को और मजबूती देने का काम दिया गया। राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी आंदोलन तथा आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा इनके प्रवक्ता बने। राजीव दीक्षित जी ने देश के वर्तमान व्यवस्था पर काफी चोट किया। राजीव जी का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का पिछलग्गू है, जिसे बदलने की जरूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को मकाले की देन बताने वाले राजीव के मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है। यहाँ के जुडिशरी और लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों की फोटोकॉपी जैसा है, जिसके कई कानून भारत का अपमान करने वाले हैं और इसे बदलना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है।
इनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा एक साल में 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता और राष्ट्रपति 27 करोड़ रुपए सालाना और 7 लाख रुपए प्रतिदिन आखिर कैसे खर्च करते हैं। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह देते थे। इनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को आत्मघाती स्थिति में डाल सकते हैं। राजीव जी कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है। एक शख्स जो अगर जिंदा रहता तो अब तक भारत में स्वदेशी आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा। कहा जाता है कि इस शख्स को रामदेव के प्रतिद्वंदी के तौर पर भी देखा जाता था, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। ये शख्स जिसने राष्ट्रवाद की कल्पना स्वदेशी और अखंड भारत के इर्द गिर्द बुनी थी, ये भारत की पूरी व्यवस्था को बदल डालने का हिमायती था। जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने वाला ये शख्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी जैसे हस्तियों से रेगुलर बातचीत का दावा करता था। वो मल्टीनेशनल कंपनी के भी घोर विरोधी थे, जिस कारण से ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मनों की संख्या बढ़ा ली थी और वे धीरे धीरे सभी कंपनियों का टारगेट बनते जा रहे थे। साल 2010 का आ चुका था, पूरा साल लगभग बीत चुका था, नवंबर का महीना चल रहा था। भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन के तहत राजीव भाई लोगों को जोड़ने तथा अपने व्याख्यान के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में थे। अपने व्याख्यान पूर्ण करने के बाद वो वापस आ रहे थे, तब रास्ते में बताया जाता है कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य खराब होने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला गया, लेकिन राजीव भाई ने जाने के लिए मना कर दिया। फिर अंततः राजीव दीक्षित को भिलाई के अपोलो अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार शुरू हुआ, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार रात को राजीव दीक्षित जी को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया और उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद अलीगढ़ भी नहीं ले जाया गया, जबकि आनंद फानंद में उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार के स्थित पतंजलि योगपीठ के अंदर ले जाया गया और वहीं पर उनके परिजनों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजीव भाई की एक स्वर्णिम जीवन की यात्रा समाप्त हुई और भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत में उन्हें युगों युगों तक सदैव याद रखा जाएगा। दोस्तों, राजीव जी के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।